अगर आप फाइनेंस पे P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी एक्सचेंज पे P2P ट्रेडिंग करते हैं तो आपके मन में एक डर जरूर रहता है कि कहीं मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। तो आज इस डर को और बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक देते हैं। आज के इस वीडियो में आपको जो कंक्रीट मेथड बताने वाला हूँ उसकी मदद से अपन इन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही बढ़िया जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कंक्रीट मेथड को जानने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये मेथड है ना, आप जो यूज में लेंगे उस मेथड की कुछ लिमिटेशन है। उन लिमिट के ऊपर चले गए ना तो आपको इनकम टैक्स के नोटिस भी आ सकते हैं। तो जो ये लिमिटेशन है उनका आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेथड ही खराब है, सेफ नहीं है। भाई सेफ एंड सिक्योर है, बहुत ही अच्छा मेथड है। बस इसकी लिमिटेशन है, उनको आपको दिमाग में रखना है। और ये जो लिमिटेशन है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, उससे पहले अपन एक छोटी सी चीज को क्लियर करते हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। देखो यहाँ पे पहले ही मैं बता देता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि यहाँ पे आप बाई करेंगे तो आपका बाई करने पे बैंक अकाउंट फ्रीज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बाई कर रहे हैं तो आप खुद के बैंक अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं तो उसमें आपकी खुद की परमिशन है, तो ऐसे केस में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो ही नहीं सकता है। आप ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। बार बार इतने वीडियो बनाने के बावजूद भी लोगों के मन में यही वहम रहता है कि यार कहीं मैं बाई कर रहा हूं तो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। कभी नहीं होगा। बैंक अकाउंट फ्रीज होता है जब आप पैसा मंगाते हैं। तो यहाँ पे अब देखो मैं आपको ये कंक्रीट मेथड बताऊं, उससे पहले एक चीज और क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है ना, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के फॉर्म में जैसे देखो यहाँ पे UPI हो गया, IMPS हो गया, बैंक ट्रांसफर हो गया, इन मेथड की मदद से आप ऑनलाइन जो पैसा मंगाते हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो उसमें आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो आप ऑनलाइन पैसा मंगा रहे हैं ना, तो उसमें पता नहीं कितने सारे लिंक्स होते हैं। अब मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज करो राम है, अब राम मर्चेंट है, आप उसके पास जाते हैं, डॉलर देते हैं और उससे INR मंगाते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अब जो राम मर्चेंट है ना, वो अब तक पता नहीं कितने लोगों से डील कर रखा है, कहीं कहीं पे कितनी लिंक बन गई है, उसका पैसा कहाँ कहाँ घूम गया है। वो उसको ट्रैक करते करते साइबर क्राइम वाले या स्कैमर वगैरह यहाँ पे ट्रैक करके आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करा देते हैं। कुछ हो सकते हैं रियल केस के कारण, कुछ यहाँ पे पैसे ऐटने के कारण, तो यहाँ पे इस चीज को तो छोड़ते हैं। इस मुद्दे पे तो बात करी हुई है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे फ्रीज होता है ना, इसी वजह से होता है, क्योंकि जो आपके पास पैसा आता है ना, वो पता नहीं कहाँ 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 के उसके लिंक बने होते हैं, वहाँ से आता है। तो अब ये लिंक ही हट जाए तो आप कितने सिक्योर हो जाए, ना आपका कभी बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना कभी ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अपना कंक्रीट मेथड। कंक्रीट मेथड का नाम है कैश डिपॉजिट टू बैंक। ये एक ऐसा फीचर है बाइनेंस का जिसकी मदद से आप जो आपके साथ है बैंक अकाउंट फ्रीज होने की दिक्कत है ना, उसको हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे काम करता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे राम है, वही सेम चीज़ें, सारी चीज़ें वही होंगी, बस यहाँ पे फॉर्म बदल जाएगा कि आपके पास जो पैसा आ रहा था ना पहले तो ऑनलाइन आएगा, अब यहाँ पे कैसे आएगा पैसा मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ के दिमाग में ये बदला ना कि कैश आएगा, कैश नहीं आएगा। देखो होगा क्या, जैसे मान लो आपने सेम वही प्रोसेस फॉलो करी, वहाँ पे कैश डिपॉजिट बैंक का एक फीचर है, मैं आपको आगे बता भी दूंगा कैसे करना है। तो उस कैश डिपॉजिट बैंक वाले फीचर को सिलेक्ट करके आप जैसे जाएंगे, तो सपोज करो राम मर्चेंट आ गया, अब राम के पास वही सेम चीजें होगी जैसे आप मान लो UPI करते हो ना, वैसे ही सारी चीजें होंगी। तो राम के पास मान लो आपने 1000 USDT वो सेल करने के लिए बोला, अब वो INR आपको कैसे भेजेगा, वो बैंक जाएगा, बैंक जाके आपका जितना भी रिक्वायर अमाउंट है ना वो वहां पे डिपॉजिट करा देगा आपके बैंक में, जो आप डिटेल्स देंगे ना अपने बैंक अकाउंट की उस पे। अब यहां पे देखो बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे लिंक्स तो खत्म ही हो गए। यहाँ पे एक लिंक बना राम का और आपका, बस यहाँ पे और किसी दूसरे का लिंक तो है ही नहीं है, क्योंकि जो कैश डालेगा ना राम, वो कैश ऐसे थोड़ी है कि ऑनलाइन घूमता घूमता है, ऐसे तो है ही नहीं ना, वो कैश डिपॉजिट कर रहा है। अब कैश डिपॉजिट में लिंक है ही नहीं तो कहीं से भी कोई ट्रैकिंग नहीं होगी और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। तो ये सबसे सेफ एंड सिक्योर, यहाँ पे बोले तो परमानेंट इलाज है। तो यहाँ पे इस तरीके की मदद से आप हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब कैसे काम करते हैं, कैसे क्या चीजें होगी मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप बाइनेंस के अकाउंट पे जाएंगे और वहां पे P2P ट्रेडिंग का सेक्शन है, उसको खोल लेंगे। उसको खोलने के बाद आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, उस फिल्टर के ऑप्शन पे दबाना है और वहां पे आपके सामने कैश डिपॉजिट टू बैंक वाला एक फीचर देखने मिलता है, एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये सेम उसी तरह काम करता है जैसे आप UPI सेलेक्ट करते हैं या IMPS सेलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो जो मर्चेंट आपके सामने आता है, जो आपको बढ़िया लगता है उस पे जाना है। और एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना है, उनकी एक्यूरेसी देखना और कितने ट्रेड कर रखी है, कम से कम 30-40-50 इससे ज्यादा ट्रेड हो तो उसी के पास करना। ऐसे नहीं कि नया नया आदमी है उससे करने लग गए, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना, जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना आ जाए
तब तक आपको USDT रिलीज नहीं करना है। ब्लैक कुछ भी हो जाए, वो कितना ही आपको कुछ बोले कि यहाँ बैंक का सर्वर खराब है, ये है, फलाना ढिका है, कुछ भी हो नहीं करना है। ब्लैक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। कोई कोई फर्जी स्लिप भेज देता है और स्लिप भेजने पे ऐसे बोलेगा भैया अब यहाँ पे रिलीज कर दो, मैंने तो भेज दिया है। आपको जब तक बैंक अकाउंट में पैसा ना रिसीव हो जाए ना, तब तक रिलीज नहीं करना, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, यहाँ पे लिंक विंक खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे आपका कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे एंड में बात करते हैं कि ये लिमिटेशन, इनका जानना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि लिमिटेशन तो है इसकी। यहाँ पे इस मेथड की दो लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ आप क्या है ना, पूरे साल भर में एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं या विड्रॉल भी नहीं कर सकते हैं। आप जैसे मंगा भी रहे ना, तो वो भी आप 10 लाख से ज्यादा नहीं मंगा सकते हैं, नहीं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर के, या अगर आप चाहते हैं डलवाएं इतना पैसा, तो आपके पास सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। अगर इनकेस आपके पास नोटिस आ जाता है तो आप एक्सप्लेन कर पाए, उनको प्रूफ कर पाए। ऐसे नहीं कि यार मेरे को पता ही नहीं है वगैरह, ऐसी वाली चीजें करोगे तो आप पे बहुत बड़ी पेनल्टीज लग सकती है, 40% से लेकर 400% तक भी। तो ऐसी चीजों का सामना ना हो इसलिए आप एक चीज का ध्यान में रखना कि 10 लाख तक आप छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इससे ज्यादा के करोगे तो आप यहाँ पे हाईलाइट हो जाओगे और आप पे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान में रखना। अब यहाँ पे दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, वो ये है कि आपको कभी भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर का नहीं करना है किसी भी हाल में। भले आपके पास सोर्स ऑफ फंड है तो भी नहीं करना है, क्यों फालतू झमेलों में पड़ना है। 2 लाख रुपए से ऊपर का नहीं करना है। आप ऐसे कर सकते हैं, टुकड़ों में कर सकते हैं, 1 लाख मंगा लिए, 50,000, 25,000 ऐसे करना है, ना कि ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए मंगा रहे हैं फिर बाद में इन सब चीजों में झमेलों में पड़ो। तो ये दो लिमिटेशन है, इनका हमेशा ध्यान में रखना। और बाकी ये मेथड बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से यूज में ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कम ट्रांजेक्शन करते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज की प्रॉब्लम को सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये मेथड को आप बढ़िया तरीके से यूज में ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको जो भी चीजें बताएं हूँ सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है इस चीज को लेकर तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सब लोगों को पता लग सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Thank you.